बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बिलाल पाशा का कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनूँ। अच्छा, इस तरह होता था कि कैंट बोर्ड बनू की काफ़ी सारी दुकानें बनू में हैं, और पहले उनका जो ऑक्शन है वो इस तरह होता था कि पगड़ी के ऊपर ऑक्शन होता था, और तकरीबन हर दुकान 22, 23, 25 लाख रुपए की जना वो हम ऑक्शन कर देता था कैंट बोर्ड, और बाद में वही दुकान जो ठेकेदार हमसे 25-30 लाख की लेता था वो आगे किसी गरीब बंदे को दो जना उसी दुकान को 10-15 हज़ार पे जना वो रेंट पे दे देता था, और कैंट बोर्ड बन्नू को भी हर महीने उसका 2-1 हज़ार पे रेंट आता था। तो इस तरह ये होता था कि वो जो गरीब दुकानदार है बेचारा वो काफ़ी ज़्यादा रेंट की वजह से फंस जाता था, और इन द लॉन्ग रन जो है वो कैंट बोर्ड को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा नहीं होता था। तो इस दफ़ा हम लोग ये कर रहे हैं कि हम ओपन ऑक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुहाट रोड पे जाना वो 92 दुकानें हैं, और 11 दुकानें हमारे पास GTS प्लाजे में हैं, और 25 हमारे पास बाला खाना जो है वो भी GTS प्लाजे के सामने है, जहाँ पर ये मोटरसाइकिल बारगेन है। इस तरह ये होगा, मैं आप जो भी दुकानदार हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि जना ठेकेदारी और जना वो जो सरकारी मुलाजिम है उनका आपस में गठजोड़ की वजह से सब कुछ हो जाता है और गरीबों को कुछ नहीं मिलता, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप दुकान लेना चाहते हैं तो आप जितनी दुकानें आपको चाहिए आप उतने कॉल डिपॉज़िट रसीद, वो 30 हज़ार रुपये का है, चाहे आपको GTS में चाहिए, चाहे जना आपको दुकान चाहिए रिसाला लाइन में, सॉरी ये ओल्ड GTS प्लाजा में, या आपको कुहाट रोड पे, या आपको बाला खाना चाहिए, आप 30 हज़ार रुपये का CDR जमा करवा दें, और उसके लिए ना आपको कैंट के अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सप्लाई लाइन है, आप लोगों को पता होगा जब मोटरसाइकिल बारगेन है उसके पीछे हमारी सप्लाई लाइन है, वहाँ पर एक नुमाइंदा हमारा बैठा होगा, आप जितनी दुकानें आपको चाहिए उतने CDR आप जाके सप्लाई लाइन में जमा भी करवा सकते हैं। और जब हमारा 15 दिन के बाद ऑक्शन होगा, 31 जनवरी को हमारा ऑक्शन होगा, तो वो जो ऑक्शन है वो भी उसके लिए भी आपको कैंट के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकानें बाहर हैं तो हम ऑक्शन भी उसका सप्लाई लाइन में बाहर करवा रहे हैं। तो इससे ना वो लोग जो 25-30 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए एक नादिर मौका है कि वो सिर्फ 30 हज़ार रुपये हमें जमा करवाएँ CDR के तौर पर, और ओपन बोली होगी, किसी ठेकेदार की किसी सरकारी मुलाजिम के साथ कोई मिली भगत नहीं होगी। जिस तरह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम उसका ऑक्शन करेंगे और ओपन ऑक्शन करेंगे, इसी तरह आपके सामने आप भी आएँ और देखें कि ओपन ऑक्शन होगा और आप खुद उस दुकान के जना वो मालिक बन सकते हैं, और ये दुकान 3 साल के लिए आपकी होगी, हर साल 10% जना वो इसका किराया जना वो बढ़ेगा, और 3 साल के बाद आपका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा फिर मार्केट रेट जो उस टाइम होगा उस पे वो दुकान आपको दोबारा भी मिल सकती है। तो वो जो एक हमेशा बात होती थी कि पता नहीं ठेकेदार जो है वो सरकारी मुलाजिम के साथ मिली भगत करके ये जो है ना दुकानें शुकानें इस तरह चली जाती हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर आप मज़दूर हैं, आप मुलाजिम हैं, आप जो भी हैं, अगर आप दुकान खुद चलाना चाहते हैं तो आप आ जाएँ, मोस्ट वेलकम, 30 हज़ार का कॉल डिपॉज़िट करें, आके 31 जनवरी को बिडिंग में हिस्सा लें, और उस बिड के बाद अगर आपकी बोली सबसे ज़्यादा होती है तो आप जो है ना वो ले सकते हैं। और क्योंकि मैंने सुना है कि बनू में काफ़ी सारे लोगों को जो है वो उर्दू में मसला है, तो यही बात आपको ना पश्तो में भी हम बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुरसियू से बिलाल पाशा से अब्दा मकसद जे दिन नक्शे बाज मुरसूर दुकानों ना एक्शन करी दी आ दुकानों ना बाप प्रीमियम यानी पगड़ी पर पेश बांधे देखे दल एक ऐसी बात, कम से कम दुकान 25 लाख नवा खिलाफ 30 लाख 40 लाख अप टू 50 लाख पूरी दुकान हम तलाए दा नो दा यो गरीब सड़ी दे पारा दा डेर मुश्किल हुई दा दुकान बदो अखिस्त नो देवती दा मुरासी से दा फैसला उकड़ा छे दा उस कुम दुकानों ना मुरा एक्शन कहूँ ठीक छे दे कुहाट रोड वाला दुकान ना 92 कुहाट रोड दुकान ना दी GTS प्लाजे वाला दी वो 25 दुकानों ना चीदी आदि मोटरसाइकिल बार्गेन बांधे प्लास बाला पास बाला खाने दी नो दे हर दुकान दे पारा बा 30 हज़ार रुपये दाय कार डिपॉजिट जमा कई आदा लियो खली लस खली शल खली नो दा हर दुकान दे पारा बा बेल बेल कार डिपॉजिट 30 हज़ार रुपये कार डिपॉजिट जमा कई दा कार डिपॉजिट मुरा सप्लाई लाइन ची डिस्पेंसरी दा डिस्पेंसरी ची मुरा दे ऑफिस दफ्तर वाला नुमाइंदा नास्ती एक अखवात वह जमा कवी 31 जनवरी बांधी दा दे वाला ऑक्शन दा नो सूर से मतलब गरीब तबके वाला खलक थी
نو هغه ته هم افورد کولای شي 30,000 روپۍ اوس نه دي دومره ډېر شای انشاءالله دا افورد کولای شي نو هچاش دې چې دلچسپی وي نو 31 جنوري پورې دې دا کال ڈپازٹ جمع کوي او اکشن ته دې راځي.